हेलो सभी को, गुड मॉर्निंग। तो चलिए, बायोलॉजी के नए सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आज हम यानी कि नया चैप्टर शुरू किया, वो चैप्टर का नाम है यानी कि प्रदूषण, जिसको हम कह सकते हैं पॉल्यूशन। यानी कि आज का जो चैप्टर है प्रदूषण है, यानी कि जाना पहचाना सा चैप्टर है और सभी को प्रदूषण के बारे में अच्छी जानकारी है। तो ध्यान में रखना, यानी कि प्रदूषण का मतलब कह सकते हैं पॉल्यूशन। तो ध्यान दीजिएगा, आज का जो क्लास यानी कि हम प्रदूषण पर चर्चा करेंगे, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन उठता आज का जो वो है क्वेश्चन, यानी कि प्रदूषण क्या है, यानी कि किसे प्रदूषण कहते हैं। पहला चीज, यानी कि सबसे बेसिक चीज में सबसे छोटा सा क्वेश्चन क्या है कि प्रदूषण क्या चीज है, किसे कहते हैं, यानी कि चैप्टर कहाँ से स्टार्ट होगा, यानी कि क्या कह सकते हैं, चैप्टर के टाइटल से ही एक क्वेश्चन उठता है, यानी कि प्रदूषण क्या है। तो आइए बात करते हैं हम प्रदूषण की। तो जल, वायु, जल या भूमि, क्या है, वायु, जल या भूमि, यानी कि कह सकते हैं वातावरण को ही, अर्थात जल, वायु, भूमि, यानी कि कह सकते हैं, अर्थात इसका मतलब क्या होगा, ये पर्यावरण हुआ। क्या होगा, पर्यावरण। क्या है, जल, वायु, जल या भूमि, यानी कि इसको कह सकते हैं क्या, पर्यावरण के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में होने वाले ऐसे अनचाहे परिवर्तन जो मनुष्य एवं अन्य जीवधारियों उनकी जीवन परिस्थितियों के लिए हानिकारक हो, प्रदूषण कहलाते हैं। सबसे पहला क्या क्वेश्चन उठा कि प्रदूषण क्या है, तो पहला चीज क्या पता चला, देखिए ध्यान दीजिएगा, वायु, जल, भूमि, क्या है, वायु, जल, भूमि, अर्थात इस तीनों को हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, पर्यावरण। तो वायु, जल या भूमि के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में होने वाले ऐसे अनचाहे परिवर्तन जो कि इन्हें परिवर्तन पसंद ना हो, यानी कि अनचाहे परिवर्तन जो मनुष्य एवं अन्य जीवधारियों उनकी जीवन परिस्थितियों के लिए हानिकारक हो, प्रदूषण कहलाते हैं। यानी कि इस चीज को ही हम क्या कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं। अब बात आती है, यानी कि समझ में आ गया कि प्रदूषण किसे कहते हैं। दूसरा पॉइंट आता है कि प्रदूषण के प्रकार, यानी काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन, यानी कि कितने प्रकार के, सामान्यतः अभी तक यानी कि तीन ही कांड को, यानी कि तीन ही प्रकार के प्रदूषण हम लोग जानते थे या पढ़ते भी थे। पहला वायु प्रदूषण, दूसरा जल प्रदूषण, तीसरा ध्वनि प्रदूषण। ये दो चीज की बात हम नहीं करते थे, लेकिन अब ये दो चीजों की भी बात करेंगे। चौथा है मृदा प्रदूषण और पांचवा है नाभिकीय प्रदूषण। यानी कि अभी तक जनरली हम तीन ही चीजों पर बात करते थे, लेकिन अब ये पांच चीजों पर हम बात करेंगे। कितने प्रकार में प्रदूषण को बांटते हैं, तो पांच में, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और चौथा है मृदा प्रदूषण, पांचवा है नाभिकीय प्रदूषण। यानी कि अभी तक तत्कालिक हम ये तीन ही चीज की बात करते थे, लेकिन अब पांचवा बात करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, पहला है वायु, क्या है, पहला वायु प्रदूषण। तो पहले हम बात करेंगे वायु प्रदूषण पर, डिटेली चर्चा करेंगे, यानी कि वायु प्रदूषण क्या चीज है, किसके कारण हुआ, यानी किसका स्रोत क्या है वायु प्रदूषण का। फिर बात करेंगे हम जल प्रदूषण की, यानी कि इसमें भी हम, यानी कि जल प्रदूषण क्या है, क्या स्रोत है, उसी तरह से हम ये पांचवा भी डील करेंगे। इस तरह यानी कि पांचों पर इसी तरह से हम चर्चा करते आगे बढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहला नंबर बात करते हैं वायु प्रदूषण की। तो वायु प्रदूषण क्या होता है, जब प्रदूषण वायुमंडल में उपस्थित होता है और वायुमंडल के अवयवों की अनुकूलतम मात्रा में परिवर्तन आ जाता है तो वायु प्रदूषण कहलाता है। यानी कि इसी को हम वायु प्रदूषण कहते हैं, क्योंकि सामान्यतः जनरल सी चीजें हैं, लेकिन बेसिक तौर पर इसे भी बताना अनिवार्य है। तो ध्यान दीजिए, वायु प्रदूषण क्या होता है कि जब प्रदूषण वायुमंडल में उपस्थित होता है और वायुमंडल के अवयवों की अनुकूलतम मात्रा में परिवर्तन आ जाता है, वायु प्रदूषण कहलाता है। समझ में आ गया वायु प्रदूषण। फिर वायु प्रदूषण के कारक, यानी कि स्रोत क्या है, किसके कारण वायु प्रदूषण होता है, यानी कि वायु प्रदूषण के कारक क्या है। ध्यान दीजिएगा, सामान्यतः बेसिक चीजों पर हम बात करेंगे। तो वायु प्रदूषण के कारक यानी कि स्रोत किसके कारण होता है, तो पहला कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर यानी कि इसका सूत्र क्या होता है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। दूसरा शॉर्ट में लिखे SO2, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। फिर है हाइड्रोजन फ्लोराइड, फिर अमोनिया, फिर एरोसोल्स ETC। यानी कि ये सब चीजें के कारण ही हमारा क्या होता है, वायु प्रदूषण के कारक है। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे तो बहुत कारण, लेकिन ये सब चीजें बेसिक चीज है, तो हम बेसिक चीजों को लेकर चलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, वायु प्रदूषण के कारक यानी कि स्रोत जिसको कह सकते थे, कौन कौन सा था, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, अमोनिया, एरोसोल्स एक्सेट्रा। यानी कि इतनी चीजें क्या है, वायु प्रदूषण के कारक हैं।
यानी कि अब बात कर लिए वायु प्रदूषण क्या चीज है, किसका इनका स्रोत क्या है, उसके बाद आते हैं जल प्रदूषण की दूसरा नंबरिंग टू के अनुसार, यानी कि नंबरिंग के अनुसार दूसरा नंबर की बात करते हैं जल प्रदूषण की। तो बात आती है जल प्रदूषण क्या चीज है, तो जल में अवांछनीय कारकों या पदार्थों के जुड़ जाने को जल प्रदूषण कहते हैं। यानी कि जल में कुछ अवांछनीय यानी कि जो पसंद ना हो, यानी कि कह सकते हैं उसको कोई अविकार चीज, विकार चीज जो क्या हो जल में जुड़ जाते हैं यानी कि घुल जाते हैं, वो चीजों को क्या कहते हैं, वैसे जल को जल यानी कि प्रदूषण कराता है, तो जल प्रदूषण उसी को कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जल में अवांछनीय कारकों या पदार्थों के जुड़ जाने को जल प्रदूषण कहते हैं, वो शॉर्ट सा चीज है ध्यान में रखना है। फिर है इस पर भी हम बात करेंगे, जल प्रदूषण के स्रोत की भी बात करेंगे, जैसे कि वायु प्रदूषण की स्रोत की बात की है। लेकिन एक छोटा सा पॉइंट है, पृथ्वी पर उपलब्ध जल की मात्रा का केवल 2.5 से 3% तक ही स्वच्छ है। यह भी सामान्यतः जनरली से जाना पहचाना सा पॉइंट है, लेकिन फिर भी ध्यान में रखने वाली बात है। पृथ्वी पर उपलब्ध जल की मात्रा का केवल कितना परसेंट, 2.5 से 3% तक ही स्वच्छ जल है। यानी कि जल की मात्रा कितना, 2.5 से 3% तक ही स्वच्छ है। अब बात करेंगे जल प्रदूषण के स्रोत की, समझ में आ गया जल प्रदूषण क्या है, उसके बाद जल प्रदूषण के स्रोत में पहला क्या है, जल प्रदूषण मुख्यतः किसके कारण होता है, तो यह कार्बोनेट, फिर है क्लोराइड, सोडियम और बाइकार्बोनेट, फिर है मैग्नीशियम हुआ, पोटेशियम के सल्फेट्स, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड ETC। इतनी चीजें क्या है, जल प्रदूषण के स्रोत है। जल प्रदूषण क्या था, मुख्यतः कार्बोनेट, क्लोराइड, सोडियम और बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम और पोटेशियम के सल्फेट, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करते हैं, भारत के कुछ भागों में भूमिगत पेयजल में आर्सेनिक व फ्लोराइड नामक प्रदूषक पाए जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ फ्लोराइड जो है बहुत ही खतरनाक चीज है, जैसे कि हम कोलगेट वगैरह जो यूज क्या करते हैं, उस चीज में जो झाग वगैरह जो होता है वो हमारा फ्लोराइड के कारण ही होता है, जो कि ये आगे चलकर यानी कि कैंसर का बहुत बड़ा घातक है, यानी कि कैंसर का बहुत बड़ा कारण है। तो ध्यान दीजिएगा, कोलगेट में जो झाग आता है किसके कारण, तो फ्लोराइड के कारण, यानी कि फ्लोराइड के अत्यधिक मात्रा के कारण क्या हो सकता है, कैंसर का ये कारण है। तो ध्यान दीजिएगा, कैंसर का बीमारी हो सकती है किसके कारण, फ्लोराइड के कारण, और कोलगेट जो हम यूज करते हैं वो फ्लोराइड के कारण ही झाग आता है। तो ध्यान दीजिएगा, भारत के कुछ भागों में भूमिगत पेयजल में आर्सेनिक एवं फ्लोराइड नामक प्रदूषक पाए जाते हैं। उसके बाद है भूमिगत जल प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को विछालक कहते हैं, क्या कहते हैं, विछालक, निछालक। फिर भूमिगत जल प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं, निछालक कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है, पारायुक्त जल पीने से क्या होता है, मिनी माता रोग होता है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखना है। पारायुक्त जल क्या, जिसमें कि जो जल है पारा घुली हो उसी को कहते हैं पारायुक्त जल, पीने से मिनी माता रोग होता है, तो ध्यान में रखना है, यानी कि पारायुक्त जल से भी क्या होती है, मिनी माता रोग। अब बात आती है नदियों में जल प्रदूषण की माप जो है किसके कारण होती है, किसकी मात्रा के कारण होती है, जो भी है, तो नदियों में जल प्रदूषण की माप जो होती है ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से करते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान में रखना, क्या है, नदियों में जल प्रदूषण की माप किससे की जाती है, किसके कारण की जाती है, तो नदियों में जल प्रदूषण की जो माप की जाती है ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा के मात्रा से ही करते हैं, किससे करते हैं, ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से ही हम नदियों में जो प्रदूषण होता है उसके माप करते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, नदियों में जल प्रदूषण की माप ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से करते हैं। फिर है ध्वनि प्रदूषण, क्या है, ध्वनि प्रदूषण यानी कि वातावरण में, अब बात करते हैं ध्वनि प्रदूषण की, यानी कि पहला हो गया वायु प्रदूषण क्या है, उसके बाद क्या स्रोत है, फिर बात की जल प्रदूषण की, जल प्रदूषण क्या है, क्या समझते हैं, जो भी है, उसके बाद इसका स्रोत की बात की है, अब आते हैं थर्ड नंबर यानी कि ध्वनि प्रदूषण की, और ये दो चीज जो बचता है हम नेक्स्ट क्लास अगली क्लास में चर्चा करेंगे, इस पर जो मृदा प्रदूषण और नाभिकीय प्रदूषण, और फिर पॉइंट के अनुसार चलते रहेगा, अभी तुरंत जो नंबरिंग मेरा आया वो है ध्वनि प्रदूषण, तो इस पर हम चर्चा करते हैं अभी तुरंत थर्ड नंबर ध्वनि प्रदूषण की, यानी कि ध्वनि प्रदूषण क्या है, तो वातावरण में चारों फैली अवांछनीय ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं, ये भी आसान सा चीज है तो, लेकिन समझना है।
ध्वनि प्रदूषण क्या है? वातावरण में चारों ओर फैली अवांछनीय ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। उसके बाद है ध्वनि प्रदूषण के स्रोत, यानी कि किसके कारण ध्वनि प्रदूषण होता है। तो ध्वनि प्रदूषण मुख्यतः ऊंची आवाज, शोर या किसी प्रकार से उत्पन्न हुआ ध्वनि हो वो ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। यानी कि कोई भी अवांछनीय पदार्थ, यानी कि कोई अवांछनीय ध्वनि जो कि सुनने योग्य ध्वनि ना हो, जिस यानी कि यही चीज का है हमारा ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। पहला क्या है कि ऊंची आवाज, शोर, हल्ला गुल्ला जिसको कह सकते हैं, या किसी भी प्रकार से उत्पन्न हुआ हुआ ध्वनि हो, तो उससे हमारा क्या होता है ध्वनि प्रदूषण के कारक है। जिसके कारण क्या होता है कि बहरापन का भी शिकार हो जाता है। किसके कारण? तो ये ध्वनि प्रदूषण के कारण ही। फिर है अंतिम पॉइंट, पराध्वनि जेट ओजोन परत को पतला करके प्रदूषण पैदा करता है। क्या है? पराध्वनिक जेट ओजोन परत को पतला करके क्या करता है? प्रदूषण पैदा करता है। ध्यान में रखना है पराध्वनिक जेट। क्या है? पराध्वनिक जेट परत जो है ओजोन को क्या करता है? पतला करके, ओजोन परत को क्या करता है? पतला करके प्रदूषण पैदा करता है। यानी कि आज हम प्रदूषण की बात की, उससे रिलेटेड यानी कि कारण यानी कि प्रकार में जो तीन है, वायु, जल और ध्वनि की भी आज हम चर्चा कर ली। जो बचा मृदा प्रदूषण और नाभिकीय प्रदूषण, ये दो चीज हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। कौन कौन चीज छूटा? तो मृदा प्रदूषण और नाभिकीय प्रदूषण। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी किसके साथ? मृदा प्रदूषण और नाभिकीय प्रदूषण के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।